आपका यूट्राइन साउंड है, ठीक है, आपकी जो सर्वेक्स है उससे अंदर मतलब आपकी जो यूट्रस है उसका साइज देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपका बेब कॉर्ड है, ये किसी भी टिश्यू को होल्ड कर, बेब कॉर्ड, ठीक है। लेंस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप जिसे कहते हैं गाइनी में, लेंस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप, ये बड़े जो इतने मसल होते हैं उनको होल्ड करने के लिए, खासकर जो आपकी रेक्टस शीट होती है उसको होल्ड करके ग्रेप कार्टून बैंडेज लेके स्लाइस पीछे किसी चीज के साथ बांध देते हैं आप अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, ताकि बार बार आपको खींचना ना पड़े, ठीक है। लेंस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप, ठीक है जी। ये सेंस पैकेट में आपके मुख्तलिफ साइजेज में आते हैं, ठीक है, अपने मुख्तलिफ साइजेज में, ठीक है, ये मुख्तलिफ साइजेज में आते हैं, जैसे एक आपका पेशेंट हो मुख्तलिफ साइजेज में आते हैं, सेवन साइजेज में आते हैं, ठीक है। क्यूरी, ये आपका वेजलम है, वेजलम मतलब आपकी जो सर्विस है उसको होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये स्पंज होल्डिंग फोर्स करते हैं या वेजलम करते हैं। नहीं, ये जो गायनी के क्यूरेट्स होते हैं इनकी जो है मतलब सेवन साइज में होते हैं, जो आर्थो के होते हैं उनके टू साइज होते हैं, दोनों साइड के होते हैं, जो गायनी के होते हैं वो वन साइड के होते हैं, ठीक है। वो साथ वो चम्मच की तरह नहीं होते, गायनी के ओपन होते हैं, ठीक है। जो उसके होते हैं आर्थो वगैरह के होते हैं, जनसदी वालों के होते हैं, वो चम्मच की तरह होते हैं, ठीक है। ये लद होते ये वेजलम है, वो जो आपको बताया था, ठीक है, को होल्ड करने देते। ये क्यूरेट है, ये चम्मच की तरह नहीं है लेकिन दोनों साइडों के हैं, जो आर्थों के हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। ये स्पंज होल्डिंग है, ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ताकि रगड़ वगैरह ना लगे, ये सर्जरी के बाद मोस्टली जो है ना क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्यूरेट है, ठीक है, मुख्तलिफ साइजों में जैसे आते हैं एज के हिसाब से पेशेंट भी जाते हैं। ये भी जैसा आपको मायोमेक्टोमी स्क्रू भी इसे कहते हैं, ठीक है, मायोमेक्टोमी स्क्रू, ठीक है, आपके मायोमेक्टोमी स्क्रू, ये आपकी जो यूट्रस है उसको होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाथ के साथ स्लिप कर जाती है ना, तो होल्ड करके ऊपर कर लेते हैं, नीचे आप काकर लगाते हैं और रिपेयर करते जाते हैं, ठीक है। ये सारे यही है, ये जो आपकी ये सक्शन है, ठीक है, हमारे यहाँ काफ़ी महंगी तरीन सक्शन है, ठीक है, वैसे बड़ी अच्छी अच्छी सक्शन आती है गहरी की, लेकिन हमारे यहाँ यही अवेलेबल है। सेम स्पेक्ट्रम है, वैसे ये डक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इसको इसको होल्ड करने की जरूरत, सेम स्पेक्ट्रम के एक बंदे को होल्ड करवाना पड़ता है, एग्जामिन करने के लिए आपको तीन बंदों की हेल्प चाहिए होती है, एक बंदा जो कि उसे पकड़ी रखता है, इसमें आपने अगर खुद थकना हो दूसरे को ना थकाना हो तो आप कर सकते हैं, दूर दूर करने बस, ठीक है, ठीक है, ये डायलेटर है, ठीक है, मुख्तलिफ साइज में आते हैं, ठीक है, ये डायलेटर है, ठीक है, ये डायलेटर है, मुख्तलिफ साइज में आते हैं, ठीक है, वन से लेके 24 तक साइज में, ठीक है, ठीक है, ये सारे इसकी गायनी के, और ये बाकी गायनी के, ये मतलब सेक्शन है हमारे यहाँ, ये सेक्शन मुख्तलिफ साइज में आती है, मुख्तलिफ पुरानी जैसे, ठीक है, ये राइट एंगल है सर, ये राइट एंगल भी नहीं कहते हैं, ठीक है, रिटेक्टर्स ये होते हैं, ठीक है, राइट एंगल रिटेक्टर वैसे इनको यूज करते हैं, या कोई राइट एंगल भी सेल्फ रिटेनिंग भी कहते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ नाम से, लेकिन राइट एंगल रिटेक्टर इनका ओरिजिनल नेम ये है, ठीक है, ये वैसे गायनी के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। अब मतलब किसी सेफ साइड में आपने इस्तेमाल करनी है, मतलब इसके जो सुराख है ना आपने इंटेस्टाइन के अंदर इस्तेमाल करनी है, तो इंटेस्टाइन इसके अंदर नहीं जाएगी, जैसे इनके बड़े बड़े मुंह हैं इस पर इंटेस्टाइन खींची जाती है, सेक्शन पीछे टिप होगी तो इंटेस्टाइन खींचनी होगी और इंजर होगी, इसमें इंजरी का कोई चांस नहीं, सेफ साइड जहाँ पर होगी वहाँ पर आप इस्तेमाल करें, ठीक है। ये डीवर है, मोरिस ये वाला और ये हार्ट इशू जो आपकी स्किन के साथ है, रेक्टस तक जितनी भी आपने निवेश होते जोरदार उसके साथ करते हैं, ये जो डीवर है ये इंटरनल साइड जो आपके एग्जामिन में साइन जो वगैरह, ये सॉफ्ट है ना, ये किसी चीज़ की इंजरी नहीं करते, ठीक है, ये इंजरी कर सकते हैं, शार्प होते हैं, खैचों के आप इंटरसाइन कर दीजिए दोबारा से, ये इंटरसाइन में इंजरी ओपन एरिया में जहाँ पे यूज होगा वो मोरे यूट्रस को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूट्रस को ऊपर खेलने के लिए होल्ड करने के लिए, ठीक है। या आपके स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है, ये किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। या आप जब यूट्रस ओपन करते हैं तो यूट्रस के आपको जो जो ब्लीडिंग हो रही होती है ब्लीडिंग को कवरिंग करने के लिए भी आप इस पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चेम्बर स्टेटस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी करते हैं स्पंज होल्डिंग, ठीक है, चलो मैं आपके टूथ फोर्सेप है, ठीक है, ये किसी भी टिश्यू टूथ फोर्सेप, ठीक है, ये टिश्यूज वगैरह को होल्ड करने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू के लिए इस्तेमाल नहीं करते, सॉफ्ट टिश्यू को खराब करते हैं, और जो हार्ड टिश्यू होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, स्किन पे भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये नीडल होल्ड, ये आपके आर्टरी फोर्सेप्स हैं, लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप्स हैं, ठीक है, ये गायनी में इसे फॉलो करते हैं,
या किसी भी आपकी ब्लीडिंग वगैरह को कंट्रोल करना हो या आपने जो आपकी रेक्टस शीट होती है उसको होल्ड करना हो दोनों साइडों से, तो लॉन्ग आप बहुत अच्छे लगते हैं। कॉकर्स, ठीक है, ये कॉकर्स हैं, ठीक है, ये रेक्टस शीट को होल्ड करते हैं, जब एक्सपोज कर रहे होते हैं तब होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक रेशन है, इसके आगे जो दो टीथ बने हुए हैं ना, आर्टरी फोर्सेप्स में नहीं बने हुए, इसमें बने हुए हैं, ठीक है। ये एलिसेस है, एलिस फोर्सेप्स है, ठीक है। ये टिश्यूज आपके जितने भी आपकी बॉडी में उनके सारों को होल्ड करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। सर मुझे दूसरा होता है इसी तरह, ये वेब कॉक है, ये सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के लिए, ठीक है। बाकी उसमें देखने इसके अलावा जो ना वो उधर ही पड़ेगा, उनको देख लीजिएगा, ठीक है। फोर्सेस है, ये आपके टॉवल पेप्स है, ठीक है। ये टॉवल्स आपके जो है आप जब स्क्रब कर रहे हैं तो टॉवल्स का आपस में हैंग करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी तकरीबन ये थर्मी वगैरह जहाँ ओटियों में यूज़ होती है तो मोस्टली डायरेक्ट डायथर्मी नहीं लगाते, क्योंकि साइड वाले एरिया को भी डैमेज, वो एरिया को जो है प्रोटेक्ट करके उसको सिर्फ उसी एरिया को जो है टारगेट करके ट्रैक डायथर्मी इससे कर लेते हैं। इसका चीज बिल्कुल आगे सिर्फ जो है बिल्कुल छोटी सी उसी एरिया को से कवर करती है। टच फोर्सेप कहते हैं, जैसे टूथ फोर्सेप है इसी में ऐसे जो जो इसमें लाइनिंग आती है वो प्लेन आता है, प्लेन फोर्सेप, ये टच आता है, ठीक है। इसमें आपस में टच फोर्सेप, ये चला जैसे तीन होते हैं।